फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में डेटा लिमिट को सेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है सेट डेटा लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड ना ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये वाला सेट डेटा लिमिट का, इसे सेलेक्ट करना है। आपका फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आएगा। तो ये सेट डेटा लिमिट के सामने जो बटन है इसे चालू करना है। तो ये बटन टैप करेंगे ना, तो ये टैप करने पे पेज आता है। इस पेज में आपको ओके पे टैप करना है, तो ये बटन चालू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे डेटा लिमिट का ये ऑप्शन आपको दिखाई देने लगता है, तो डेटा लिमिट पे सिलेक्ट करना है, ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको GB लिखा है, GB पे सिलेक्ट करना है, ये पेज ओपन होता है छोटा सा। इसमें दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं MB पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे MB में डेटा लिमिट को सेट करना है, ठीक है। तो ये MB लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितना MB यहाँ पे सेट करना है वो यहाँ पे काउंटिंग एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं 500 एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 500 MB सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे काउंटिंग एंटर करने के बाद आपको सेट पे सिलेक्ट करना है, सेट, ठीक है। तो आपका ये जो है ना डेटा लिमिट इस तरीके से सेट हो जाता है। अभी सेट होने के बाद कैसे काम करेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके बाद आप जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करेंगे ना, तो आपके फ़ोन का इंटरनेट जो है वो 500 MB तक आपका काम करेगा, 500 MB के बाद काम नहीं करेगा। जो भी आपका पर डे का जो इंटरनेट होता है ना, पर डे का यानी हर दिन का जो भी आपका इंटरनेट है, हर दिन आपका ये 500 MB तक काम करेगा, 500 MB के आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा लिमिट को सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में।